ये मैंने आटे के अभी छोटी छोटी गोलियां बनाई हुई है, आप अभी इसे सूखे आटे में मिलाइए और इसे जितना हो सके पतला लीजिए, ज्यादा पतला ज्यादा मोटा भी नहीं। शेप आपको जिस तरह से आपको बेलने में दिक्कत ना हो उसी तरह से आप कीजिए। ये देखिए, ज्यादा न पतला न ज्यादा मोटी रोटी, ये सूखा आटा इसके ऊपर से झाड़ दीजिए। अब मैं आपको चपाती को सेकने की टेक्निक बता दूं। ये गैस फास्ट रखा हुआ है, आप इसे चाहिए तो स्लो भी यूज कर सकते हैं, धीमा। इसे एक साइड से अच्छे से पकने दीजिए चपाती को। जैसे आपको थोड़े से बबल दिखने चालू हो जाएंगे आप उसे पलट सकते हैं। ये देखिए, थोड़े थोड़े बबल आना चालू हो गया है, तब आप उसे पलट सकते हैं। मैं इस पर कुछ भी तेल घी कुछ भी लगाने रही हूँ, एकदम सूखी रोटी है, फिर भी आप इसे दो दिन तक नरम ही रहेगी है, आप खा सकते हैं इसे। अब ये वापस यहाँ पर आपको बबल दिखना चालू हो जाएगा, तब आप एक चिमटे की मदद से इसे ऐसे गैस पर डाल दीजिए। ये देखिए, अच्छे से ये फूल जाती है, दूसरी साइड भी। अब आप इससे घी लगाइए या तो सूखी खा सकते हैं या तेल भी लगा सकते हैं। ये देखिए दूसरी रोटी, जैसे आपको बबल दिखना चालू हो जाएगा आप उसे एक साइड से पलट दीजिए, फिर दूसरे साइड से बबल दिखे तब उसे आपको गैस पर पलटना है ताकि वो अच्छे से फूल सके। जैसे आपको बबल दिखना चालू हो जाएगा आप इसे गैस पर इसे पलट दीजिए। इसको अच्छे से सेक लीजिए। ये देखिए, इस पर आप घी भी लगाकर खा सकते हैं या सूखी भी खा सकते हैं। ये देखिए, एकदम ताजी और नरम रोटी, या दो दिन तक इसको ऐसे ही आप रखकर खा सकते हैं। थैंक यू।